हे दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस बिजनेस हुए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप एक ऐसा बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं जिस बिजनेस को आप लोग 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये में ही स्टार्ट कर सकते हो और महीने का 50-60,000 से भी ज़्यादा तक की प्रॉफिट मार्जिन आप लोग उस बिजनेस से इनकम कर सकते हो? तो फिर दोस्तों, मेरा उम्मीद है कि आप लोग आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे जानकारी देने वाला हूँ जिसका आप लोगों को एक्चुअल में नीड है। और आज के इस वीडियो का एंड में आप लोगों के लिए देने वाला हूँ एक बोनस टिप्स जिससे आप लोग आपका बिजनेस को जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हो, यानी डबल ट्रिपल रातों रात ही कर सकते हो। ताकि आप लोग बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, यानी बिजनेस में आप लोगों को कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स का जरूरत होने वाला है, क्या क्या इक्विपमेंट का आप लोगों को इस बिजनेस में जरूरत होने वाला है, और इन सारे प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए कैसे रेडी करना पड़ता है, उसमें कितना खर्च होता है, कितना प्रॉफिट मिलेगा, और आपको इस बिजनेस में कौन कौन सा लाइसेंस को लेना होगा, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो फिर दोस्तों, चलिए आज और एक नया और बहुत ही प्रॉफिटेबल एक बिजनेस आइडिया के बारे में जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ऐसे ही बहुत सारे नया नया बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल में दिया गया बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल में सेट कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जब भी कोई नया बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो इस चैनल में अपलोड करता हूँ तो वो आपसे नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत आप तक पहुँच पाए। और इसी के साथ साथ आज हम आप लोगों को एलोवेरा पाउडर, जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुना है, एलोवेरा पाउडर का बिजनेस आइडिया के बारे में आप लोगों के साथ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, जो सारे सब्सक्राइबर्स मुझे कॉन्टिन्यूस फॉलो करते हैं उन सारे दोस्तों को जरूर पता होगा कि मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को एलोवेरा जेल का एक बिजनेस प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें एक दोस्त मुझे कमेंट किया था कि एलोवेरा पाउडर का बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल इसीलिए ही बनाया गया है आज का इस वीडियो जिससे आपको भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। दोस्तों, एलोवेरा जेल जितना काम आता है उतना ही ज्यादा काम आता है इन सारे एलोवेरा का पाउडर। दोस्तों, आयुर्वेदिक इलाजों में इन सारे एलोवेरा का पाउडर या एलोवेरा बहुत ही डिमांडेबल एक प्रोडक्ट है और जिसका डिमांड सदियों से चलते आ रहा है, और इन फ्यूचर इसका डिमांड मार्केट में और भी ज्यादा मात्रा में होने वाला है। अभी इन सारे एलोवेरा अगर पाउडर फॉर्म में मिलेगा तो इससे अच्छा बात और हो ही नहीं सकता है। जिसे आप लोग अगर चाहे तो इसमें आप लोग थोड़ा सा पानी मिला के इसे फेस पैक के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हो, साथ साथ फेस वॉश के हिसाब से या बालों का झड़ना, यही सब चीजों का सॉल्यूशन के हिसाब से भी आप लोग इन सारे एलोवेरा पाउडर को इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों को आज के इस एलोवेरा पाउडर का बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स का जरूरत होने वाला है और उसे आप लोग कहां से किस रेट में खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग इस एलोवेरा पाउडर का बिजनेस को दो अलग अलग तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। पहला, आप लोग होलसेल रेट में इन सारे एलोवेरा पाउडर को खरीद सकते हो और इसका एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा, आप लोग आपका लोकल में एलोवेरा का खेती करने वाला फार्मर से या तो आपका नियरेस्ट में किसी बड़ा एलोवेरा फार्म से भी इन सारे एलोवेरा को खरीद के उससे घर से ही इन सारे एलोवेरा पाउडर को तैयार कर सकते हो और आपका बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और इन सारे एलोवेरा पाउडर को तैयार करने के लिए आप लोग को कोई भी बड़ा बड़ा मशीन का भी जरूर नहीं होने वाला है। और कैसे आप लोग इन सारे एलोवेरा पाउडर को घर से ही तैयार कर सकते हो, इसके बारे में भी आप लोगों को वीडियो में आगे चल के डिटेल्स में बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आप लोगों को सबसे पहला जो रॉ मटेरियल्स का जरूरत होने वाला है वो है इन सारे एलोवेरा का पाउडर, जिसे आप लोग कोलकाता बड़ो बाजार या आपके आसपास की जो बड़ा होलसेल मार्केट है वहां से भी आप लोग बिल्कुल होलसेल रेट में इन सारे एलोवेरा पाउडर को खरीद सकते हो। और बांग्लादेश का दोस्त इसे ढाका चौक बाजार, चीटागोंग मार्केट के जैसे जगहों से भी बिल्कुल होलसेल रेट में इन सारे एलोवेरा पाउडर को खरीद सकते हो। या तो आप लोग indiamart.com, daraj.com, aajkadeal.com की जैसा वेबसाइट से भी इन सारे एलोवेरा पाउडर को 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए पर किलो के हिसाब से भी बिल्कुल होलसेल रेट में खरीद सकते हो। और इंडियामार्ट की जैसा वेबसाइट से इन सारे एलोवेरा पाउडर को परचेस करने का बहुत सारा एड्रेस और लिंक आप लोगों को इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इन सारे एलोवेरा पाउडर को अगर आप लोग होलसेल रेट में खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि जिसे आप लोग इन सारे एलोवेरा पाउडर को खरीद रहे हैं वो आपको कितना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए अभी जान लेते हैं कि कैसे आप लोग इन सारे एलोवेरा पाउडर को घर से ही तैयार कर सकते हैं।
दोस्तों इन सारे एलोवेरा पाउडर को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को कच्चा एलोवेरा को बिल्कुल होलसेल रेट में खरीदना होगा और उसे इस टाइप का छोटा छोटा पीसेस में काटना होगा और उन सारे काटा हुआ एलोवेरा को धूप में बहुत ही अच्छे से सुखाने के बाद आपका एलोवेरा कुछ इस टाइप का सूख के दिखने में हो जाएगा, जिसे आप लोग इस टाइप का एक मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करने से ही आपको एक बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा पाउडर बन के रेडी हो जाएगा, जिसे आप लोग अभी आपका बिजनेस का प्रोडक्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक ऑर्गेनिक और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एलोवेरा पाउडर बन के रेडी होगा कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स। और दोस्तों इन सारे एलोवेरा पाउडर को तैयार करने के बाद या खरीदने के बाद आप लोगों को जरूरत होगा इस टाइप का कुछ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का पाउच पैकेट या इस टाइप का कुछ प्रिंटेड पाउच पैकेट, जिसे आप लोग आपका कंपनी का ब्रांड नेम के साथ भी प्रिंट करवा सकते हो। और इन सारे पाउच पैकेट्स को सीलिंग करने के लिए इस टाइप के एक मैनुअल हैंड सीलिंग मशीन, जिसे आप लोग 1200 रुपये में ही खरीद सकते हो। प्रोडक्ट का परचेस लिंक आप लोगों को इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इन सारे चीज़ों को लेने के बाद आप लोगों को करना पड़ेगा इन सारे एलोवेरा पाउडर को पैकेजिंग, जिसके लिए आप लोग इन सारे पाउच पैकेट में 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक की क्वांटिटी में भी आप लोग इन सारे एलोवेरा पाउडर को भर के उसे हैंड सीलिंग मशीन की मदद से उस पाउच पैकेट्स को सील कर देना है। लेकिन दोस्तों बात ये आता है कि आप लोग इन सारे प्रोडक्ट को सेल कहाँ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग आपका इलाके में जितना सारा ब्यूटी पार्लर है उनसे जाके मिलिए और आपका प्रोडक्ट के बारे में खोल के अप्रोच कीजिए, क्योंकि इन सारे ब्यूटी पार्लर में ही सबसे ज्यादा फेस पैक या इन सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और जिससे आपका प्रोडक्ट भी ज्यादा से ज्यादा सेल हो सकता है। उसके बाद आप लोग आपका इलाके में जितना सारा कॉस्मेटिक्स का दुकान और बहुत सारा छोटा छोटा ग्रोसरी स्टोर या किराने का दुकान है, आप लोग उनसे भी जाके इन सारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और आपको 1 kg एलोवेरा पाउडर को पैकेजिंग करके रेडी करने के लिए टोटल खर्च होने वाला है 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक। वही अगर आप लोग मार्केट में मिलने वाला एलोवेरा पाउडर का प्राइस चेक करते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसे लगभग 250 रुपये से लेकर 300 रुपये पर 100 ग्राम के हिसाब से, यानी 2500 से 3000 रुपये पर किलो के हिसाब से इन सारे एलोवेरा पाउडर को मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन आप लोगों को उतना ज़्यादा नहीं, अगर आप लोग बिजनेस के शुरू में 100 रुपये पर 100 ग्राम के हिसाब से यानी 1000 रुपये पर किलो के हिसाब से भी आप लोग इन सारे एलोवेरा पाउडर को होलसेल रेट में भी सेल करते हैं तो आपको पर केजी एलोवेरा पाउडर को सेल करने पर 900 रुपये के आसपास तक की पर किलो के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। और आप लोग अगर पर डे 2-2.5 kg तक की एलोवेरा पाउडर को होलसेल रेट में भी सेल कर सकते हैं तो आप लोग रोजाना 1800 रुपये से लेके 2250 रुपये तक की प्रॉफिट मार्जिन आराम से इनकम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जरूरत होने वाला है कुछ लाइसेंस का, जिससे आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और आज के इस एलोवेरा पाउडर का बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले लेना होगा एक ट्रेड लाइसेंस और साथ साथ स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट से भी आप लोगों को कुछ लाइसेंस के साथ साथ एक GST नंबर का भी जरूरत होने वाला है इस बिजनेस में। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो का शुरू में ही बताया था कि आप लोगों को वीडियो का एंड में देने वाला हूँ एक बोनस टिप्स, जिससे आपका बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकता है, यानी डबल ट्रिपल हो सकता है। अभी आ गया है उस बोनस टिप्स देने का बारी, और आप लोगों के लिए वो बोनस टिप्स ये है कि आप लोग इन सारे प्रोडक्ट को Amazon, Flipkart की जैसा बड़ा बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में भी सेल कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट का कस्टमर होने वाला है पूरा इंडिया का लोग। बाकी आप लोग अगर इन सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में सेल करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक पैन नंबर, एक खुद का बैंक अकाउंट नंबर के साथ साथ एक GST नंबर से ही आप लोग इस बिजनेस को आराम से घर बैठे ही स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों बस यही था आज का बिजनेस प्लान आप लोगों के लिए, एक स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके आगे बहुत बहुत शेयर भी कर दीजिए और साथ साथ इस बिजनेस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बाकी कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं दूसरा किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड टू बिजनेस वाले, बिजनेस आइडियाज फॉर एवरीवन।